हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर को, और हम जानेंगे कि पिछले 5 सालों में बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च में आज तक किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। जी हाँ, अब तक जितने 17 से लेकर 21 तक इन 5 सालों में जिस टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे गए उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। और यकीन करिए, मुश्किल से कुछ टॉपिक्स हैं, 4 से 5 ऐसे टॉपिक हैं उसी टॉपिक से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। दोस्तों, जो पहला टॉपिक है ना, उसको आप नाम से समझ सकते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और एक्शन रिसर्च, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपका आधा पूरा सिलेबस असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग से आपके कम से कम 30-40 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहली चीज़ है मापन मेजरमेंट, दूसरा है आकलन, तीसरा है मूल्यांकन। तो मापन, आकलन और मूल्यांकन, और एक शब्द अगर आप और जोड़ देते हैं वो है टेस्ट, यानी कि परीक्षण। तो यूँ समझिए कि आपका 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो जो भी प्रश्न आए हैं ना, इन 4 पॉइंट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं, मापन, आकलन, मूल्यांकन और तीसरा चौथा परीक्षण से। तो देखिए, मापन, आकलन और मूल्यांकन से कैसे प्रश्न पूछे गए और किन वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आइए उन प्रश्नों को एक बार ध्यान से देखिए। दोस्तों, मापन के महत्व को स्पष्ट करिए, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करिए। यह 2021 के लॉन्ग यानी कि 15 नंबर में पूछा था, 2019 के शॉर्ट, 2018 के शॉर्ट, वेरी शॉर्ट यानी कि 8 नंबर और 1 नंबर में आपसे सवाल ऐसे पूछा था। 1 नंबर में मतलब आपसे बस ये पूछ लेता है कि मापन के महत्व बताइए, तो वो 1 नंबर में पूछा गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व की व्याख्या करिए। तो यह दोस्तों आपसे 8-8 नंबर में सवाल पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। ठीक उसी प्रकार से मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, यह भी पूछा गया है। आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर 2020 के 8 नंबर में पूछा गया है। और यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, आकलन एवं मूल्यांकन का अर्थ बताइए एवं मापन एवं मूल्यांकन में संबंध बताइए, बात वही है, लेकिन यह प्रश्न 15 नंबर में पूछा है दोस्तों 2017 में। चलिए ठीक उसी प्रकार से व्यापक मूल्यांकन, ऊपर भी आपसे व्यापक मूल्यांकन पूछा था। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन को परिभाषित करिए, 1 नंबर में पूछा है, कई बार पूछा है प्रश्न ये। और संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, और ठीक उसी प्रकार से निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन, इनकी तुलना करनी है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, ये आपके मापन से संबंधित प्रश्न है। आकलन को परिभाषित करिए, देखिए वेरी शॉर्ट में आपसे सवाल पूछा है। और बाह्य एवं आंतरिक आकलन से क्या लाभ है, इनकी सीमाओं का उल्लेख करिए, आपसे ये प्रश्न पूछा है। और मापन के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करिए, देखिए 2019 के लॉन्ग में 17 शॉर्ट और 20 शॉर्ट में सवाल पूछा है। अब देखिए, निकट संबंधित तथा मानक संदर्भित मापन से आपके में क्या अंतर है, यदि हमें किसी बालक की कौशल निपुणता की जांच करनी हो तो किस प्रकार के मापन का उपयोग करेंगे और क्यों, 2018 के लॉन्ग में और 2020 के शॉर्ट में ये प्रश्न पूछा गया। अब आइए मापन के विशेषताएं, जो मापन उपकरण होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे वस्तुनिष्ठता, वेदबोधकता, विश्वसनीयता, वैतमानक, तो इस पर आपको व्याख्या करनी है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो दोस्तों, ये थे ओवरऑल मापन से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, ये थे सारे मापन, आकलन और मूल्यांकन से पूछे गए प्रश्न। आपने देखा कि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मापन से आप क्या समझते हैं, आकलन मूल्यांकन से क्या समझते हैं, इन तीनों में संबंध या अंतर पूछा जाता है, और इनके जो प्रकार हैं जैसे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, तो इस प्रकार से दोस्तों इनके प्रश्न बनते हैं। मापन मूल्यांकन का महत्व, उद्देश्य, विशेषताएँ, कुल मिला के इसी से संबंधित आपको सारे प्रश्न मापन, आकलन और मूल्यांकन से मिलने। ठीक ऐसे ही दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान से भी ठीक इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं और हर साल प्रश्न बनते हैं। अब क्रियात्मक अनुसंधान से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, आइए देखते हैं कि 17 से 21 तक कैसे प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान से पूछा गया। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित आपसे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, जैसे 2021 के शॉर्ट 8 नंबर में आपसे पूछा गया था कि क्रियात्मक अनुसंधान से क्या अभिप्राय है, मतलब आप क्रियात्मक अनुसंधान से क्या समझते हैं। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्या है, इसके स्टेप क्या है, इसके बारे में अभी पूछा गया। क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन बताइए, क्रियात्मक अनुसंधान के समस्याओं का चयन तथा क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। ठीक है, यह 2021 के लॉन्ग में पूछा गया। चलिए, विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है, 2017 के लॉन्ग में, क्रियात्मक अनुसंधान माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है
और क्रियात्मक अनुसंधान रिपोर्ट संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों 2017 के शॉर्ट में पूछा है, 2020 के लॉन्ग में पूछा है। और अनुसंधान क्या है इसके अर्थ एवं स्वरूप का वर्णन कीजिए। मौलिक एवं क्रियात्मक अनुसंधानों में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, ये भी काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। क्रियात्मक अनुसंधान में कोई चार महत्व बताइए। अपने शिक्षण विषय की एक समस्या का चयन करके उस पर क्रियात्मक अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करिए। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, वो भी लॉन्ग में पूछा जाता है। जैसे कि अपने शिक्षण विषय में एक समस्या का चयन करके उस पर एक क्रियात्मक अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करिए। ठीक है, अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान में प्रयोगात्मक विधि से आप क्या समझते हैं। 2017 के ये प्रश्न शॉर्ट यानी कि 8 नंबर में पूछा गया था। तो ये थे दोस्तों ओवरऑल क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर 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 ले लीजिए। तो इस प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान से क्या अभिप्राय है, इसके सोपान क्या है, इसका महत्व क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन, किसी समस्या का चयन और उस पर क्रियात्मक अनुसंधान उदाहरण सहित। तो इस प्रकार से आपसे क्रियात्मक अनुसंधान से पूछा जाते हैं। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से परीक्षण, मैंने बताया था आकलन मापन मूल्यांकन, दूसरा क्रियात्मक अनुसंधान और तीसरा परीक्षण, परीक्षण से भी सवाल ऐसे पूछा जाता है। लेकिन परीक्षण में थोड़ा सा टाइप्स ऑफ परीक्षण के बारे में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि परीक्षण से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और परीक्षण में किन किन बिंदुओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है। परीक्षण के बारे में अगर हम बात करें कि परीक्षण से अभी तक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो परीक्षण को आप देखेंगे तो परीक्षण से इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि परीक्षण होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रमाणित परीक्षण किसे कहते हैं, अभिवृत्ति परीक्षण एवं अभिक्षमता परीक्षण की व्याख्या कीजिए तथा इसे मापन के एक उपकरण का सविस्तार वर्णन करिए। और ये जो प्रश्न है उसमें से कभी कभी टुकड़ों में भी पूछता है, लेकिन कई बार पूछता है। जैसे मान लीजिए आपसे केवल ये पूछ देगा कि प्रमाणीकृत परीक्षण किसे कहते हैं, ठीक है, अभिवृत्ति परीक्षण किसे कहते हैं। तो यह प्रश्न आप देखेंगे 17, 18, 19, 20, 21 हर साल इसमें से एक प्रश्न आपको मिलना ही है, वो यही प्रश्न। इस प्रश्न को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, मैं खुद इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रमाणीकृत परीक्षण किसे कहते हैं, अभिवृत्ति परीक्षण व अभिक्षमता परीक्षण की व्याख्या कीजिए तथा इसे मापने में एक उपकरण का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए अब एक होता है शिक्षक निर्मित परीक्षण और एक होता है प्रमाणीकृत परीक्षण में क्या अंतर है बताना है। देखिए 8-8 नंबर में सवाल पूछा है। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के गुण और दोष, पर सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली तो आप स्वयं से लिख सकते हैं, ठीक है। अब परीक्षण निर्माण के सामान्य सिद्धांत क्या है वर्णन करिए एवं निदानात्मक परीक्षण की रचना करिए। ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया। 2000 निदानात्मक परीक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षक निर्मित परीक्षण पर टिप्पणी लिखना है। निबंधनात्मक मतलब एसे टाइप परीक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या है वर्णन करिए। निबंधनात्मक परीक्षण के गुण और दोष बताइए, वो वही प्रश्न आपसे मिलेंगे। निष्पत्ति परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, एक परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता बताइए कि कितना ज़्यादा महत्व है एक परीक्षण की विश्वसनीयता। निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण क्या है दोस्तों, ओके। मौखिक परीक्षण के 5 गुण और दोष बताइए, मौखिक परीक्षण जो ओरल टेस्ट हम लेते हैं ना उसको मौखिक परीक्षण। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, जैसे एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है एक परसेंटेज सिस्टम होता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है। प्रयोगात्मक प्रारूप की परिभाषा दीजिए एवं शैक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए और ग्रेड प्रणाली अंक प्रणाली से किस प्रकार से श्रेष्ठ है आप इसको बताइए। तो चलिए परीक्षण से संबंधित ये आपके टोटल प्रश्न हो गए, आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे पूरे परीक्षण से प्रश्न, जैसे परीक्षण क्या होता है, योगात्मक परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण, सेमेस्टर प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और निबंधनात्मक परीक्षण। तो इस तरह से प्रश्न पूछा, अब बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप जानते हैं, बस एक बार देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे ना तो बहुत आसानी से इसे लिख सकते हैं। दोस्तों ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया, अगर मैं बात करूँ पूरा सेकेंड पेपर खत्म हो गया। आकलन मापन मूल्यांकन क्रियात्मक अनुसंधान अगर आपने परीक्षण पढ़ लिया तो 90% आपने तैयार कर लिया। दो और टॉपिक रह गए, वो टॉपिक देखिए क्या, इसको पहले समझना पड़ेगा। देखिए आपके सेकेंड पेपर में कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसके अथवा में उसी न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ सिद्धांत आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले देखिए कि न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल आपसे क्या पूछा जाता है। तो अगर हम 17 से 21 तक की बात करें तो आज तक जो भी न्यूमेरिकल पूछा गया है वह न्यूमेरिकल ये है दोस्तों। जैसे न्यूमेरिकल में आपसे एक प्रश्न दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करिए, तो आप देख सकते हैं 18, 19 और 20 में आपसे सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए पूछा गया है।
उसके अलावा आपसे माध्यिका की गणना करिए, माध्य के बारे में पूछा गया और बहुलक के बारे में पूछा गया। माध्य, माध्यिका, बहुलक और सहसंबंध गुणांक, एक बार प्रश्न 2017 में आपसे मानक विचलन के बारे में पूछा गया था कि मानक विचलन ज्ञात करिए। अब थोड़ी सी समस्या यह है कि जिन बच्चों को मैथ में इतना इंटरेस्ट नहीं है वो क्या करें, तो घबराइए मत, क्योंकि इसके अथवा में आपसे एक थ्योरी प्रश्न पूछा जाएगा और वो थ्योरी प्रश्न क्या है इसको जान लीजिए, फिर अब इस वीडियो को खत्म करेंगे। थ्योरी प्रश्न में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी के बारे में आपसे सवाल पूछता है, या फिर कभी कभी ये भी पूछ देता है कि आप सहसंबंध गुणांक से क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करिए। तो सांख्यिकी से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देख लीजिए। देखिए सांख्यिकी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सांख्यिकी क्या है, शिक्षक के लिए इसके अध्ययन का क्या महत्व है, ठीक है। सांख्यिकी के बारे में 2021 के शॉर्ट में पूछा था, लेकिन ये पूरा प्रश्न 2021 के लॉन्ग में पूछा था। अब शिक्षा में सांख्यिकी की भूमिका वेरी शॉर्ट में, सांख्यिकी की विशेषताएँ क्या हैं वर्णन करिए, सांख्यिकी के किसी चार प्रयोग उपयोग बताइए, और सांख्यिकी शैक्षिक सांख्यिकी के अर्थ को एवं क्षेत्र की व्याख्या करिए, 2017 के लॉन्ग में पूछा है, और आलेखीय निरूपण को की उपयोगिता बताइए, आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण, दोन दत्तों मतलब डेटा की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। डेटा के बारे में पूछ रहा है कि डेटा के कितने प्रकार होते हैं, लास्ट प्रश्न है, डेटा के कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, प्रत्येक वर्गों को दो उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों सांख्यिकी से संबंधित ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। बस दोस्तों ये था ओवरऑल आपका सिलेबस। एक और छोटी सी टॉपिक रह रही है जिसको भी कई बार प्रश्न पूछा गया है अथवा में पूछा गया है, वो प्रश्न है, इसके अलावा जो प्रश्न आपसे पूछते हैं जैसे कि चतुर्थांश विचलन क्या है वर्णन करिए, परिमाणिक विचलन की विवेचना करिए, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, मानक विचलन से आप क्या समझते हैं, निम्न तालिका से मानक विचलन ज्ञात करिए, तालिका हमने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन एक तालिका आपको देके प्रश्न पूछता है, केंद्रीय परिवर्ती का महत्व बताइए, अभिवृत्ति वितरण के सोपान की व्याख्या करिए, आवृत्ति त्रिभुज और संचय आवृत्ति का वक्र का उपयोग लिखिए। दोस्तों ये थे आपके ओवरऑल प्रश्न का एनालिसिस पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं एक बार आपको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूँगा, इसका सारांश बताने की कोशिश करूँगा। देखिए मापन, आकलन, मूल्यांकन, इन तीन चीज़ों में तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत आसान है। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में इन सब को ख़त्म करूं, मापन, आकलन और मूल्यांकन को बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। दूसरा आपका है क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तीसरा आपका परीक्षण, परीक्षण के प्रकार जो होते हैं उसके बारे में। ये तीन टॉपिक बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में देखिए 80 नंबर के प्रश्न में 40 से 50 नंबर तो आसानी से सबके आ जाएंगे। बाकी के जो प्रश्न रह रहे हैं वो सांख्यिकी से पूछा जाता है, और आपके न्यूमेरिकल्स जो दिए रहते हैं जैसे कि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना, मानक विचलन ज्ञात करना, माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना, ये न्यूमेरिकल। और जिनको ये न्यूमेरिकल नहीं आता है वो विचलन से आप प्रश्न कर सकते हैं, जैसे कि केंद्रीय मानक, चतुर्थांश विचलन, इन सारे न्यूमेरिकल्स को आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। दोस्तों यह था ओवरऑल आपके सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के पिछले 5 सालों में पूछे गए प्रश्न को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ इन सब क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रिपेयर करिए। बाकी जो साथी टेलीग्राम से जुड़े हैं मैं उनको PDF शेयर कर दूंगा। अगर अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम आपको PDF शेयर कर देंगे। और दोस्तों सेकेंड पेपर के बारे में बहुत कम वीडियोस बनी है, तो एक वीडियोस में कवर अप करेंगे, एक वीडियो में पूरा मापन, आकलन, मूल्यांकन, एक में पूरा एक्शन रिसर्च, दूसरे में सांख्यिकी। तो इस प्रकार से हम बहुत जल्द इस वीडियो को, इस पूरे सब्जेक्ट को ख़त्म करने वाले हैं। उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो मुझे देंगे। कैसे, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों तक शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, आइए ज्वाइन करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए और मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, जो रह गया है उसे भी बहुत जल्द हम पूरा कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसी लगी जानकारी प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और अच्छे वीडियोज़ बनाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।